गिरिडीह शहरी क्षेत्र में जाम से निजात दिलाने को लेकर गुरुवार को एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया। इस दौरान सिविल कोर्ट चौक से पदम चौक तक सदर एसडीओ विशालदीप खलको के नेतृत्व में जिला प्रशासन व नगर निगम ने अभियान चलाया। मौके पर सदर सीओ रविभूषण प्रसाद, डीएसपी संजय राणा, डीटीओ रोहित सिन्हा, नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी समेत जिला प्रशासन और नगर निगम के कई लोग मौजूद थे। इस दौरान कोर्ट रोड, टावर चौक, शाहबादी मार्केट के सामने से फुटपाथी सब्जी और फल दुकानों को हटाया गया। कई स्थायी दुकानों के शेड को जेसीबी से तोड़ा गया। वहीं रत्न माइका कंपनी के कर्मियों को सदर एसडीएम और डीटीओ ने रोड पर रखे एक बेकार गाड़ी और स्क्रैप को लेकर जमकर फटकार लगाई। स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर दिए गए थे जो खुद के दुकानों के बाहर तक थे, जो कि पेडेस्ट्रियन जो चलने के लिए जो जगह थी उसको अप्रोच कर रहे थे। तो पहले भी नगर निगम के स्तर से कार्रवाई की गई है और 3 दिन पहले भी सभी लोगों को सूचना भी दी गई थी कि आप लोग अपने टेम्पररी स्ट्रक्चर्स को हटा लें। आप जैसा जानते हैं कि आगामी काफ़ी त्योहारों का भी समय है और शहर में आबादी भी काफ़ी घनी है, तो सुगमता और यातायात सुगमता के दृष्टिकोण से आज ये कार्रवाई की जाएगी, की गई है और आगे भी ये कार्रवाई चलती है। सर कदम चौक पर कुछ तो देखिए, जिन लोगों के द्वारा इस तरीके का रेसिस्टेंस तो रहता ही है जब आप कार्रवाई करते हैं, बट नियम संगत कार्रवाई की गई है, तो सारे जो भी प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो किए अतिक्रमण। मैं सभी लोगों को पहले तो ये कहना चाहूँगा कि अपने बिजनेसेस के लिए तो डेफिनेटली वो मेहनत करते हैं, बट पब्लिक के लिए और नागरिक सुविधा के दृष्टिकोण से जो विषय है उस पर सभी लोग अपने जो नियंत्रण का स्थान है वहाँ तक अपना व्यवसाय करें, नियम से करें। हम लोग हमेशा उनके साथ हैं। अब अपना सारा सामान यदि वो सड़कों पर रख देते हैं तो यातायात भी बाधित होता है और जो आम राहगीर हैं उनको भी चलने में काफ़ी परेशानी होती है। और मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि इस मुहिम में आप पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आप साथ दीजिए और सभी दुकानदार भी जो हमारे भाई हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वो हम उनको कोऑपरेट करें।